ये जो आपके सामने जड़ी बूटियां आपको नजर आ रही हैं इस टेबल प्लेट में और इस प्लेट में और मेरे हाथ में नजर आ रहा है आपको काढ़ा, ये काढ़ा और ये पानी में इस तरह पांव रखने का तरीका, ये आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। इसको पीछे कर लो या कुर्सी आगे कर लो, करा दो। तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। देखिए ध्यान से, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो आप सुनते हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, लीवर की प्रॉब्लम, ये थैलीसीमिया या किडनी फेल या मोटापा, ये कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू कैसे होती हैं, हम सबको बचपन से आज तक ये नहीं मालूम कि हम गलती क्या करते हैं। आपने सुना होगा बुखार हमारे घरों में आजकल कॉमन है। आजकल जो सीजन चल रहा है अभी, बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, जैसे ही बुखार चढ़ता है हम गोली खाते हैं, गोली खाते उसको उतारने की कोशिश करते हैं और इस चपेट में आ जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो मैंने बताई। लेकिन अगर ये अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, गुड़, तुलसी और गिलोय, इन सबको मिलाकर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ये बराबर मात्रा में मिलाकर ये काढ़ा बनाया जाए और इस तरह 40 डिग्री टेम्परेचर पानी में इस तरह पांव डुबो जाएं और साथ में गरम गरम उबलता हुआ काढ़ा ऐसे घुट घुट करके पिया जाए तो बुखार घर बैठे ही उतर सकता है। और उस टाइम पे ये साथ में ग्रीन जूस, जिसमें गिलोए, पुदीना, धनिया और ये पान का पत्ता और इसका जूस बना के लेना है। ये हम हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है। मैं आपको एक दो पेशेंट से मिलवा भी देता हूँ। ये कहाँ से आप आए हैं, क्या तकलीफ थी आप बताओ जरा एक बार। उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से आए हो, क्या तकलीफ थी जब आप आए थे यहाँ पे? तो किडनी की, उधर देख के बता दो, किडनी की प्रॉब्लम थी सर। क्या बताया था डॉक्टर ने आपको? डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए डायलिसिस बताया था। हाँ, कब से डायलिसिस करा रहे थे आप? एक महीने से। एक महीने से करा रहे थे। हमारे हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? ये वीडियो पे यूट्यूब पे देखा। ओके, तो क्या लगा आपको, कितने दिन हो गए अभी आए हुए? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में क्या फायदा लगा आपको? एक तो डायलिसिस हफ्ते में तीन होते थे सर, एक ही हो रहा है। हफ्ते में तीन होते थे, वो इस एक हफ्ते में एक ही हुआ है। एक ही हुआ सर। और क्या कहना चाहोगे, और क्या फायदा लगा? बीपी की गोली मेरी बंद हो गई। बीपी की गोली बंद हो गई, बंद हो गई यहाँ आके। तो लोग तो बोलते हैं आयुर्वेद बहुत स्लो है, आपको तो एक हफ्ते में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एक हफ्ते में ही बीपी की गोली मेरी बंद हो गई सर, उससे काफी फायदा। तो आयुर्वेद तो स्लो बोलते हैं ना, आयुर्वेद में मत जाना गलती से भी। बड़े बड़े डॉक्टर भी बोल देते हैं 100 करोड़ कि भाई वहां मत जाना गलती से आयुर्वेद में। तो आपको क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को? मैं तो ये कहूंगा सर, हिम्स में आए और अपना इलाज करवाएं और आयुर्वेद पे विश्वास करें। कहाँ से आप आए हो? उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड से। क्या नाम है आपका? हरेंद्र सिंह। और उम्र? 42 साल। 42 साल। मैं एक और पेशेंट है हमारे साथ, मैं चाहूंगा इनसे भी मिलते हैं हम। इनको क्या तकलीफ थी, कहाँ से आप आए हो एक बार बताओ जरा? बिहार से आए हैं, किशनगंज जिला से। हाँ जी, बिहार किशनगंज जिला से आए हैं। क्या तकलीफ थी जब आप आए थे यहाँ पे? किडनी का प्रॉब्लम था। क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो यही बोला, हम वहाँ बिहार में दिखाए थे, सिल्लेगुड़ी, पूर्णिया में दिखाए, हर एक जगह कोई बोला है कि आपको ट्रांसप्लांट ही कराना होगा। ट्रांसप्लांट कराना होगा जी जी। कितना खर्चा बताया था? वो बताया था कि 14-15 लाख रुपए बताया था। ओके। और तो फिर हम लोग हैदराबाद में जाने के लिए सोचे थे, इतने में हमको यहाँ पता लग गया, यहीं हम पास में रहते हैं। यहाँ पे सेंटर लाइन डली हुई है ना? जी जी। ये देखो इस तरह गले में लाइन डल जाती है जी, यहाँ से अभी निकल गया है। डायलिसिस होता है यहाँ, अभी यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? यहाँ हफ्ता दिन हो गया है, ये निकाल दिया है पाइप। अभी 7 दिन में क्या फायदा हुआ आपको? 7 दिन में है, बहुत महसूस हो रहा है कि पहले हफ्ते में 2-3 डायलिसिस हो जाता था, अभी यहाँ आके एक ही हुआ है। राहुल सर और अंजलि मैम ने बोला है कि ये कराना थोड़ा जरूरी है, ये करवा लो, तो इस करके हम बोले कि चलो। वैसे आपको अपने आप में क्या फर्क लगा और इसके अलावा? जो फर्क लगा है कि अभी दवाई, पहले उल्टी हो रहा था, दवाई खा रहे थे उल्टी हो रहा था, तो वो सब अभी रुक गया है, अभी 2-3 दिन से बहुत अच्छा। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आयुर्वेद के बारे में? नहीं, जो भी अगर देखें, अगर उनको इसके यहाँ के बारे में पता लगे तो आना चाहिए और इलाज कराना चाहिए आयुर्वेदिक के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे लोग बुखार की गोली खाते हैं, बुखार की दवाई खाते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आते हैं। ये बच्ची है हमारे साथ। बेटा आप कहाँ से आप आए हो, आपको क्या हुआ था? आपको बचपन में बुखार चढ़ा था? हाँ। फिर आपने उसकी दवाई खाई, इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद क्या हुआ? यूरिन ज्यादा होने लगा और ज्यादा प्यास लगने लगा, तब एडमिट हो गए थे। और तब से आपको क्या दिक्कत है आज तक? तब से डायबिटीज थी, फिर इसी ईयर से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने लगा। तब से तो डॉक्टर अनु आप कुछ इस गुड़िया से पूछ के बताओ और क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, दोबारा बताओ आप क्या कह रहे थे।
चार साल की उम्र में हमको बुखार हुआ था एक बार, उस टाइम सुई इंजेक्शन लगाया गया हमको, तो उस टाइम फिर इंजेक्शन के बाद यूरिन ज़्यादा होने लगा और प्यास ज़्यादा लगने लगा, फिर आईसीयू वगैरह में भर्ती हुए तो डॉक्टर्स बोल दिए कि डायबिटीज़ है, फिर डायबिटीज़ इसी ईयर से फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिम्टम्स लगने लगा। तब से आपको शुगर थी? हाँ। कितनी उम्र है अभी आपकी? 16। कौन से शहर से आए हो आप? झारखंड धनबाद। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? वीडियोस। ओके, तो अब आपको समझ आ रहा है कि बुखार उतारना, ये सब दर्शक भी हमारे साथ पेशेंट भी हैं जो इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये पीछे एक बार पूरे हॉस्पिटल के पेशेंट भी दिखा दो, इसमें कुछ लोग एडमिट हैं, कुछ लोग पहली बार मिलने आए हैं, कुछ उनके रिलेटिव्स या जानने वाले हैं, और पीछे हमारे हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग है। हम अभी हिम्स डेराबस्सी में हैं। तो अनु मैम, मैं यही बोलना चाहूंगी कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है लोगों से कि बुखार हो गया और उसके बाद में ये बीमारी आ गई, बुखार हो गया उसके बाद में ये बीमारी आ गई, तो ये बच्ची इस बात का एग्जांपल है हमारे पास कि बुखार आने से बीमारी नहीं आई, जो बुखार के उतारने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया गया उसकी वजह से उसकी बॉडी में इतना डैमेज हो गया कि वो एक बीमारी से ग्रस्त होगी जिससे कि उसको जिंदगी भर जूझना पड़ेगा, और एक सीक्वल में है, पहले बुखार आया उसका कुछ एक ट्रीटमेंट देने के नाम पर कुछ चीज़ें उसके साथ की गई, फिर बच्ची को उससे डायबिटीज़ हो गया और उसके बाद में वो उसकी किडनी को भी अफेक्ट कर गया, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। जैसे ये बता रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बोला गया, हमारे पास अभी मैं थोड़ी देर में आपको मिलवाती हूँ, पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुए, वो भी दोबारा फेल कर जाती है, किसी की 4 दिन में, किसी की 10 दिन में, किसी की 40 दिन में, किसी की 4 साल में, डिपेंड करता है उस पेशेंट के ऊपर। और एक दूसरी बात, हमें लगता है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद मेरा खर्चा खत्म हो जाएगा, तो आप में ही बैठियां भी मिलवा देता हूं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद 3 साल से लगातार 25,000 से 30,000 की दवाइयां चल रही आर्मी ने, ये फिर आपका ये उनके अटेंडेंट है, कहां खर्चा कम हुआ, कहां आपकी जान आफत खत्म हुई, हमें लगता है ट्रांसप्लांट के बाद शायद जिंदगी आसान हो जाएगी। ये कोई गाड़ी का टायर नहीं है जो इस गाड़ी का निकाला और इस गाड़ी में डाल दिया, किडनी है भैया, बॉडी एक्सेप्ट करती भी है और नहीं भी करती, और हम कहते हैं जब वही पुरानी किडनी रिपेयर कर सकती है तो ट्रांसप्लांट क्यों कराना। ये अटेंडेंट हैं जिनके जो अपने पेशेंट के साथ, तो आप बता सकते हो अपने पेशेंट के बारे में चाहो तो। पेशेंट हमारा एक बार दिल्ली मैक्स में हमने ट्रांसप्लांट किया था 1 साल पहले, उसको अब 2 महीने से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है, पैरों में सूजन, मतलब दोबारा वही किडनी फिर फेल कर गई। दोबारा कितना खर्चा लगा था आपका मैक्स में 1 साल पहले? लगभग 14-15 लाख के आसपास। 14-15 लाख लगे थे किडनी के? तो पापा ने। तो अब आप इन सबको क्या बोलना चाहोगे, ट्रांसप्लांट की वेट कर रहे हैं? मत कराओ, मैं यही बोलूंगा। तो करो क्या फिर से यही आना पड़ा हमें? नहीं, करा क्या, करना क्या है फिर? वही किडनी को रिपेयर करो। हाँ, वही किडनी को रिपेयर करो अपनी जो पहले थी, थोड़ा सा परहेज, और जो आप खाने की दिक्कत हुई है सबसे पहले, तो छोटा था आया कन्फेक्शनरी की दुकान थी, स्कूल का बैग गिरा अपना कन्फेक्शनरी की दुकान पे, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह ये वो, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं खाने का नुकसान होता है। तो अब हम वापस आते हैं कि इस टाइम बुखार का सीज़न चल रहा है, बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और वायरल फीवर इस टाइम पूरे भारत में ये घर घर में फैल रहा है। आपको करना क्या है, जब भी बुखार हो इतना बड़ा कोई बाल्टी लेकर इतने पाँव को गर्म पानी, ये पानी का टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री होना चाहिए, और साथ में ये काढ़ा मैंने बताया इन चीज़ों का, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, तुलसी, गिलोय और गुड़, इनका काढ़ा बनाकर इस तरह पीना है घुट घुट करके, और साथ में आपको 3 से 5 दिन खाना नहीं खाना। उस टाइम पे क्या करना है, दिन में रोज के 1 गिलास से 4 गिलास तक नारियल पानी, लेकिन पीना घुट घुट करके है। ये नारियल पानी इस टाइम पे आपकी खुराक है बुखार के टाइम पे। दूसरा, ये पुदीना, धनिया, पान का पत्ता और गिलोय के पत्ते, इनका जूस बनाकर, ये ग्रीन जूस, ये आपकी खुराक है बुखार के टाइम पे, क्योंकि आयुर्वेद कहता है शांति अमाश्योथाना व्याघ्ना लंघन क्रिया ज्वरस्य च एका शांति लंघन उच्यते, यानी कि जब भी ज्वर हो तो आप अपने अमाश्य की शांति करें, और ये चरक संहिता का श्लोक नंबर 31 पेज नंबर 667 पे आप चेक कर सकते हो, चैप्टर 8 के अंदर आइए, यानी कि बुखार हमारा मित्र है, जब भी बुखार हो तो लंघन परम औषधम, यानी कि उपवास ही परम औषधि है। इसके अलावा आयुर्वेद में एक मधुकोश करके किताब है जिसमें अक्षी कुशिका भवा रोगा प्रतिशय वर्ण ज्वरा, यानी कि ज्वर को मित्र कहा गया, उन्होंने बोला गया बुखार, घाव, सर्दी, पेट के रोग और नेत्र रोग, जब भी इनमें से कोई बीमारी आए तो आपको इन 5 दिनों तक, एक तो सूरज डूबने के बाद कोई भी हैवी चीज नहीं खानी, और सिर्फ 6 घंटे के दौरान खाना खाना, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि हम जो बात करते हैं ना
योशिरीसु में जापानी साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज स्टडी मिली को नोबेल प्राइज मिला है इस स्टडी को कि खाना छोड़ना और सही खाना खाना, ये जूस, ये नारियल पानी और ये काढ़ा, इस टाइम पे यही आपकी दवाई है और यही उपाय है। और अगर आप ये करते हो तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच जाओगे। इसके अलावा गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है, भगवत गीता में श्लोक 17 चैप्टर 6 में, कि मौसम के हिसाब से युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कि अपने दिमाग के हिसाब से मौसम के अनुसार से अपनी खुराक को बदलो और खाने पीने का ध्यान रखो। तो अभी हमारे जो हिम्स है, जहां आप हो अभी डेरा बस्ती में, ऐसे लखनऊ, मुंबई, मेरठ, अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, ये हमारे अभी सेंटर खुल चुके हैं। और ये हमारे डे केयर सेंटर है चंडीगढ़, जीरकपुर, संगरूर, लुधियाना, भागलपुर, ठाणे, गोवा और दिल्ली में। और जितने भी लोगों के पास, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो ये ध्यान रखना, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराना है 100% आयुष कवर वाला करवाना है, ताकि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, आपका खर्चा, आप उस टाइम पे पैसा, आपका इंतजाम इस पॉलिसी से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आयुष कवर वाली पॉलिसी पहले करवाई होगी, तभी संभव है। और जो कुछ मैं बोल रहा हूं, बुखार को मित्र जो बता रहा हूं मैं, ये आपको दिखा भी देता हूं, ये रिसर्च पेपर है, लेट फीवर डू इट्स जॉब, मतलब बुखार को अपना काम करने दो कृपया करके, ये वाई फीवर कैन बी योर फ्रेंड इन टाइम्स, ये अलग अलग पूरे विश्व के रिसर्च पेपर्स हैं कि जब भी बुखार हो गर्म पानी में पांव डुबोना है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, जिस तरह अभी आपको हमने दिखाया है। इसके अलावा जो हिप्पोक्रेट, जिसने पूरी मॉडर्न पैथी एलोपैथी का कुछ पैदा किया, गिव मी द पावर टू क्रिएट ए फीवर एंड आई विल क्योर एनी इलनेस, यानी कि बुखार, पूरी दुनिया में कोई भी बीमारी हो, बुखार हर बीमारी को दूर करने की शक्ति रखता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर साल में एक बार बुखार चढ़े तो मंदिर जाके, गुरुद्वारे जाके भगवान को थैंक यू बोल के आओ और भगवान को धन्यवाद दे के आओ, क्योंकि बुखार की वजह से आपको आने वाला कैंसर या किडनी फेल या लीवर फेल आपका बच जाएगा, आपको बड़ी दिक्कतें नहीं आएगी। और इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं कि बुखार उतारने में यह तरीका अच्छा है या जो गोलियां खाते हैं वो तरीका अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, मैं और डॉक्टर अन्नू और हमारी पूरी हिम्स की टीम, ये हमारे हॉस्पिटल के डाइटिशियन भी हैं, नेचुरोपैथी वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और सारी पूरी टीम आप सबको थैंक यू बोलती है। और ये हमारा हिम्स सिर्फ एक ही कोशिश करता है कि कैसे लोग अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। थैंक यू, नमस्कार।